और आपका नुक्ता नजर भी सुन लिया, आपका नुक्ता नजर देख लिया, तो लेट द पीपल डिसाइड। ये बताइए सर, अल्ताफ हुसैन साहब की कोई प्रॉपर्टी लंदन में है? अल्ताफ हुसैन साहब की कोई प्रॉपर्टी लंदन में नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब ने भी सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की, अपना जो खिताब किया उन्होंने भी कहा कि मेरी कोई प्रॉपर्टी लंदन में नहीं है। मैं पहले लोगों को सुनवा दूं सर, उसके बाद फिर मैं अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश करता हूं। इसके लिए अल्ताफ हुसैन साहब ने भी यही बात कही थी। एम क्यू एम गरीब तंजीम, उसका लीडर उसके लंदन में ढूंढ निकाले, बड़ी बड़ी तस्वीरें छाए करती। तो अदालत लंदन में तो अदालत मौजूद है ना, अदालत में जाओगी अल्ताफ हुसैन की प्रॉपर्टीज है? मेरी कोई प्रॉपर्टी, गरीब आदमी। सो ये स्टेटेड पोजीशन है हैदराबाद सिटी साहब एमकेएम की, के एमकेएम की कोई प्रॉपर्टी लंदन में नहीं है। मेरे पास ये तीन चार डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो लंदन की काउंसिल से निकाले हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। काउंसिल से वो जब लंदन में प्रॉपर्टी अगर आपने खरीदनी या बेचनी हो तो आप काउंसिल पे जाके उस प्रॉपर्टी के राइटफुल ओनर को सामने ला सकते हैं या आप उसकी प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं दिखाता हूं, आप बताइएगा कि ये प्रॉपर्टीज का हमारी इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं है। ये पहला एबे व्यू मिल हिल, ये अल्ताफ हुसैन साहब के नाम की प्रॉपर्टी है सर। ये £1 मिलियन इसकी अगर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हो उसको नजर आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारा ख्याल है मुबैना तौर पर, कम से कम जो काउंसिल के डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, वो हाई व्यू गार्डन्स एजवेयर में है। और तीसरी, और ये इकबाल हुसैन साहब के नाम है जो शायद अल्ताफ हुसैन साहब के भाई हैं। और तीसरी भी अल्ताफ हुसैन साहब के नाम है, 3 हाई व्यू गार्डन्स एजवेयर। ये पेपर्स गलत है हैदराबाद सिद्दीकी साहब? ये आर्ग्यूमेंट आधा है आपका असल में काशिफ, और आधा इसलिए है ये आर्ग्यूमेंट कि लंदन में एमक्यूएम के पास 3-4 प्रॉपर्टी हैं जो पार्टी प्रॉपर्टीज हैं, और उन पार्टी प्रॉपर्टीज को जाहिर है कि किसी ना किसी के नाम होना है। मगर एक डॉक्यूमेंट इसके बाद भी होता है जो इस वक्त मेरे पास नहीं है और शायद आपके पास भी ना हो इस वक्त, जिसमें ये प्रॉपर्टीज आगे कार्य तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने बजाय अपनी बेटी के नाम करने के, बजाय अपने रिश्तेदारों के नाम करने के, ये प्रॉपर्टीज पार्टी के नाम वापस रिटर्न की हुई हैं। कि खुदा ना खास्ता अगर कार्य तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन को कुछ होता है तो ये प्रॉपर्टीज उनकी फैमिली में नहीं चली जाएंगी, ये प्रॉपर्टीज जो है वो उनके पार्टी के पास चली जाएंगी। और इसकी जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंटेशन उसी जमाने में कर ली गई थी जब कार्य तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के पास ये सारी चीजें थी। ये पार्टी प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं, क्योंकि इसके आगे भी एक डॉक्यूमेंट है जो इस वक्त मेरे पास भी नहीं है, मैं आपको दिखा सकता हूं और आपके पास। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट कहना सर, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है ये 2010 में निकाला गया था काउंसिल से। अगर एमकेएम के नाम पे हैं तो ये जो इकबाल हुसैन साहब जो भाई है अल्ताफ हुसैन साहब के, उनके नाम पर किस लिए हैं? मैं आपसे बता रहा हूं ना कि ये प्रॉपर्टीज वापस, चाहे वो इकबाल हुसैन साहब के नाम हो या कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के नाम हो, ये वापस पार्टी को चली जाएंगी अगर खुदा ना खास्ता इनकी सेहत को कुछ होता है तो। लिहाजा ये आधा डॉक्यूमेंट है, ये आधा आर्ग्यूमेंट है आपका। हाँ लेकिन सर आपने तो कहा कि हमारा तो प्रॉपर्टी कोई नहीं है लंदन में। मैं नहीं, एमक्यूएम के पास 3-4 प्रॉपर्टीज जरूर हैं, ये हमने इसको कभी डिनाई नहीं किया। एमक्यूएम के पास 3-4 प्रॉपर्टीज हैं और 3-4 प्रॉपर्टीज डिक्लेयर्ड हैं, और उसमें से अगर मैं इसका कंटिन्यूएशन में, ये आधा असल में आर्ग्यूमेंट है, आधा मुझे मिल जाता अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट होता, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखा देता सर। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब ने तकरीर में अपनी जो हमने क्लिप दिखाया उसमें कहा एमक्यूएम एक गरीब जमात है, एक प्रॉपर्टी £1 मिलियन की है, दूसरी 3,64,000 की है, चौथी की प्राइस स्टेटेड नहीं है इसके ऊपर क्योंकि ये बैंक से लीज की गई है। तो ये बताइए कि ये गरीब जमात के पास £1 मिलियन की और तकरीबन कुल मिला के जो प्रॉपर्टीज है आपके पास 2 से 2.5 मिलियन की बनेंगी, ये गरीब जमात के पास इतनी महंगी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एमक्यूएम इस मुल्क में सबसे ज्यादा अमीर जमात है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो कुछ हमारे पास है हम डिक्लेयर करते हैं। मैं आपको एक बड़ी मजेदार मिसाल दूं, काजी बात हो रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है। एक बार फिर वही मत सर, लेकिन सवाल तो फिर भी यही रहा कि अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा मेरी कोई प्रॉपर्टी लंदन में नहीं है, लेकिन आपकी आप खुद मान रहे हैं कि 4 प्रॉपर्टीज लंदन में है। दूसरा आप कहते हैं कि हमें पार्टी प्रॉपर्टी है, मैं कैसे आपको बताऊं, वो एक कानूनी जरूरत है कि किसी ना किसी के नाम करनी है और हमारे नजदीक
कायदे तहरीक से ज्यादा क्रेडिबल कोई भी नहीं है। लिहाजा इसके आगे भी एक डॉक्यूमेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इसके कंटिन्यूएशन में भी एक डॉक्यूमेंट है कि ये प्रॉपर्टीज पार्टी की हैं और पार्टी को वापस जानी है। तो सर ये कुछ ज्यादा महंगी नहीं है, तकरीबन 20 करोड़ 15 करोड़ की सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, ये तीन के मेरे पास कागजात है, चौथी के कागज मेरे मुझे वैल्यूएशन को तो नहीं पता। मैं आपको इसमें वैल्यूएशन को तो नहीं पता, एक वैल्यूएशन लिखी है, यकीनन लिखी हुई होगी, 1,020,000। मुझे इससे बहस ही नहीं है जी जी, मुझे इससे बहस ही नहीं है, मुझे फिगर से तो बहस ही नहीं है। अब काश मुझे ये पता होता कि ये कितने की खरीदी गई और बाद में कितने की हो गई। सर ये लंदन है, अलहदा बहस है, ये लंदन है, यहाँ पर सर जितने की खरीदी गई है, जितने की खरीदी गई है इसमें सब लिखा हुआ है कि क्या कहां से कैसे खरीदी गई है। इसमें प्रोजेक्टेड प्राइस नहीं आ रही है सर, हैदराबाद सिजवी साहब, ये प्रोजेक्टेड प्राइस नहीं है, मार्केट प्राइस नहीं है, जितने में खरीदी गई है वो प्राइस दिखा रहे हैं। तो क्योंकि ये भी कहा जाता है कि फिर पैसे आए, जुल्फिकार मिर्जा साहब इल्जाम लगा रहे हैं, वो तो कहा कि जो सेटलमेंट हुई है 1.6 मिलियन की, अब तो वो ये पूछेंगे कि 2-2.5 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टीज कहां से आई। भाई मैं तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूं ना कि इसके आगे एक डॉक्यूमेंट है जो कि डॉक्यूमेंट इस प्रॉपर्टी को वापस पार्टी के नाम करता है, तो उसमें तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होगी और ना मुझे कोई वो शर्मिंदगी है। पार्टी प्रॉपर्टी थी, पार्टी प्रॉपर्टी रहेगी, इन ट्रांजिशन अगर अल्ताफ भाई के पास है इन्फ्लेट कर भी जाती है तो मुझे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, नहीं इन्फ्लेटेड प्राइस नहीं है, एक्चुअल प्राइस है सर, क्योंकि ये कैश पे और फिर इसमें मॉर्टगेज वैल्यू भी होगी सर, इसमें मॉर्टगेज का भी है कैश प्राइस, उसको बता दें कि मॉर्टगेज कितना है। सर जी आपको मैं एक सेकंड ये दिखा देता हूं, एक सेकंड रुक जाए, लेंडर लेंडर नन, लेंडर नहीं है इसमें। आपके सामने करप्शन को बेनकाब करें, हकायक असली हकायक आपके सामने लेके आए, मुल्की और गैर मुल्की या बैन अल-अक़वामी मौजूआत के ऊपर सही हम चीज जानने की कोशिश करें। इस वक्त की सूरत हाल यह है कि गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत अलाहाबाद सिंध में नहीं है इस वक्त। मुझे पता जो मैं आपको बता सकता हूं वो ये है कि वो कैनेडा में मौजूद है और उन्होंने जाने से पहले कोई कायम मकाम गवर्नर बनने की रिक्वेस्ट नहीं की, और इस तरह एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी रहा हमारे पास। और मैं आपको बताता चलूं कि मेरे पास चंद चीजें इस वक्त जो हैं वो काफी हैरानकुन हैं। इशरत अलाहाबाद साहब ना सिर्फ कराची से गए, और मैं अगर ये कहूं कि गैर आईनी तौर पे गए, गैर कानूनी तो नहीं कह सकता, गैर आईनी तौर पे गए तो वो गलत नहीं होगा, उनके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया ये भी कहना गलत नहीं होगा। मैं अगर ये आपको बताऊं आज कि वो कैनेडा क्यों गए तो आपको भी हैरानी होगी, मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। इशरत अलाहाबाद साहब ने मेरी इत्तला के मुताबिक वहां पर एक घर खरीदा है, ये घर जो है ये आपकी स्क्रीन पे अब मैं दिखवाता हूं, ये बड़ा खूबसूरत मेंशन है जो डॉक्टर इशरत अलाहाबाद ने लिया है मिसिसागा में। इसका एड्रेस है 709 पाम स्ट्रीट मिसिसागा वैनकूवर कनाडा, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं 709 पाम स्ट्रीट मिसिसागा वैनकूवर कनाडा। और जो मुझे पता चला है कि इशरत अलाहाबाद साहब ने जाने के लिए यह किया था कि उन्होंने दो मुख्तलिफ टिकट्स ली, एक अपने एसोसिएट की, एक अपनी एसोसिएट की जो थी क्लब क्लास की थी, अपनी जो थी इकोनॉमी की थी, और विद इन द फ्लाइट उन्होंने उसको इंटरचेंज किया ताकि वो पता ना चल सके किसी को। फर्क एक और है यहां पे, मैं अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है इसके ऊपर बाद में आता हूं, मैं आपको बीबीसी की और डेली टेलीग्राफ की दो चीजें दिखाना चाहता हूं। बीबीसी ने यह लिखा क्योंकि 1992 से 2003 तक डॉक्टर इशरत अलाहाबाद जो थे वहां पे पॉलिटिकल असाइलम में थे लंदन के अंदर, और उन जब वो गवर्नर बन गए हैं तो टेलीग्राफ ने और बीबीसी दोनों ने यह क्लेम किया कि गवर्नर बनने के बावजूद उन्होंने वहां पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स या सोशल सिक्योरिटी जो है वो क्लेम करते रहे, जो उनकी अहलिया ने चेक्स रिसीव भी किए और चेक्स कैश भी कराए, और फिर उनके एक स्पोर्ट्स पर्सन ने कहा कि कुछ रकम उन्होंने बाद में कुछ महीनों के बाद वापस कर दी थी, क्या यह बेजाब्तगी नहीं है? जबकि उनकी अहलिया का बयान जो टेलीग्राफ में छपा हुआ है उनकी तवस्सत से
उनका डायरेक्ट बयान नहीं, उनके स्पोक्स पर्सन के थ्रू वो ये है कि जी पाकिस्तानी सियासत का एतबार नहीं है, बड़े हचकोले हैं इसमें, बड़े झटके हैं, तो हमने सोचा कि क्या पता गवर्नर ही थोड़े दिन में खत्म हो जाए। अब जब यकीन हो गया कि गवर्नर परमानेंट है तो इसके बाद हम टैक्स यानी वो सोशल सिक्योरिटी नहीं लेंगे। क्या ये बेजाब्तगी नहीं है? आपको मटीरियल दे देता हूं, आप बीबीसी और टेलीग्राफ को जरा सू कर लें ताकि हमें भी ठंड पड़ जाए, हमें भी तसल्ली हो जाए, तशफी हो जाए कि वाकई उन्होंने हमारे लीडर्स के ऊपर गलत बयानी की है। नहीं, मेरे इल्म में ये भी है कि उन्होंने जाके वो मसला एड्रेस किया था और उसमें अगर कोई चूक थी या एरर थी उसको उन्होंने उसी वक्त करेक्ट किया था। इसका मतलब बेसामने तो हुई ना। देखिए, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, मुझे मैं इनकी इसकी सारी तफसील, आई एम नॉट प्राइवी टू दी एग्जैक्ट डिटेल ऑफ, आई हैव इन माइंड एंड आई हैव इन माय नॉलेज की एक ऐसी खबर आई थी, एक ऐसी बात आई थी और इशरत अली बाग़दादी उसी वक्त लंदन गए थे और उन्होंने जो है वो उनके लिए भी वो बात नाकाबिले फहम थी, उनके लिए भी वो इंतहाई हैरानकुन बात थी कि कोई ऐसी बात हो रही थी। अगर उसमें वो पार्टी होते, वो फरीक होते, उन्होंने कोई सोशल सिक्योरिटी का चेक अपने दस्तखत से रिसीव किया होता तो मैं उसको बिल्कुल बेजाब्तगी कहता। अगर उनके किसी अहले खाना ने, किसी फर्द ने, उनके बिहाफ पे उनके किसी नौकर ने या उनके किसी घर के फर्द ने बेख्याली में, बेध्यानी में ये बात ली जो उनके ही में नहीं थी, तो मैं मतलब है कि इस पर तो इतनी बड़ी बात जो है वो उसको मैं नहीं लूंगा जो आप बात कर रहे हैं ना। डॉक्टर, मतलब ये है कि अगर मेरी अहलिया जो है वो MQM से, मैं अपनी तरफ से पार्टी से, मुझे इसकी तफसील मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो पीपल्स पार्टी से, MQM से, नून लीग से, अमेरिकन काउंसलेट से, किसी से कोई लिफाफा ले लेती हैं और वो पैसा हमारे अकाउंट में आ जाता है या घर में आ जाता है तो मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं है। मैं कहूंगा कि मैंने तो नहीं अपने हाथ से लिया ना, मैं तो कसम खा सकता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर कोई अदालत में खड़े होके कोई 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 वकालत वो करना या कोई मुकदमा, ये वो बात तो नहीं है कि मैं खामखाई में अपनी तरफ